हेलो स्टूडेंट हर कोई चाहता है कि पेमेंट फास्ट हो स्मूथ हो और सेफ हो और जब बात होती है इंटरनेशनल ट्रेड की उस समय काफ़ी ड्यूरेशन हो जाता है पेमेंट के रीसेटलमेंट में इसीलिए आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट को साइन किया है जिससे जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एकदम फास्ट हो जाएगा स्मूथ होगा और सेफ भी रहेगा और उसी प्रोजेक्ट का नाम है नेक्सस तो हम लोग इस करंट अफेयर्स में समझेंगे कि आखिर आर ने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट को साइन किया है और इससे हमारा बेनिफिट क्या है तो एक बार हम लोग करेंट अफेयर पर जरा नज़र डालें क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट देखिए ये जो क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट हैं जब हम ट्रेड करते हैं जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उस समय ये टर्म हमारा यूज होता है क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट याद कीजिएगा पिछले के की वीडियोज में भी जब हम बात करेंगे किए थे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी तो आर बी आई ये चाहता है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी इंक्रीज हो और इसके लिए क्या हो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट हो रहे हैं उस वहाँ पे रुपी का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो रुपी का इस्तेमाल अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के समय ज़्यादा होगा तो हमारी इंडियन रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन ज़्यादा होगा ये हम लोग एक लास्ट वीडियो में देख चुके थे तो आज का जो करंट अफेयर है वो है हमारा क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट और प्रोजेक्ट नेक्सस तो देखते हैं ये करंट हमारा है क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंट प्रोजेक्ट नेक्सस स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट नेक्सस आखिर है क्या ये कोई नेक्सस मोबाइल का नाम नहीं है सबको यही लगेगा <coughs> कि ये कोई मोबाइल का है उसी लिए प्रोजेक्ट क्या है नेक्सेस है. है ये जो प्रोजेक्ट नेक्सेस है ये क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के लिए साइन किया गया है टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट ये बात आपको समझ में आ गया होगा इसको बिल्कुल याद कर लीजिए बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला भी है नहीं अगर हम इसके अंदर इन डिटेल्स में अगर जाएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोजेक्ट नेक्सस ए लेट्रल इंटरनेशनल इनिशिएटिव मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट नेक्सस में कोई दो देश नहीं हैं दो से ज्यादा कंट्री इसमें शामिल हैं टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम देखिए ये जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है तो क्रॉस बॉर्डर पे फास्ट पेमेंट सिस्टम होगा और हमारे इंडिया में क्या है यूपीआई है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है वो इन दोनों को लिंक करने की बात कर रहा है अगर हम आगे बढ़ें नेशंस इन्वॉल्व आखिर इस प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन कौन से देश शामिल हैं तो अगर हम बात करेंगे इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो हमारे इंडिया के तरफ से क्या है यूपीआई है और दूसरे इंड पे दूसरे इंड पे फास्ट पेमेंट सिस्टम फास्ट पेमेंट सिस्टम किसका किसका मलेशिया का फिलीपींस का सिंगापुर का एंड थाईलैंड का मतलब ये कि मलेशिया थाईलैंड, सिंगापुर और और फिलीपींस पे इंडिया। तो अगर हम देखें तो इंडिया एक दो तीन चार पांच तो इस प्रोजेक्ट नेक्सस में अभी कितने नेशन इन्वॉल्व है पांच नेशन इन्वॉल्व है जिसमें से इंडिया का यूपीआई होगा और बाकी चारों का फास्ट पेमेंट इंटरफेस सिस्टम होगा एफपीएस होगा <coughs> अब एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये कांसेप्ट किसने दिया था तो ये दिया गया था बीआईएस के द्वारा बीआईएस के बारे में आप लो, आप लोगों ने सुना होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये बीआईएस वो बैंक है जो पूरे विश्व का सबसे पुराना बैंक है ये बीआईएस वही बैंक है जिसकी एक कमेटी ने बेसल नॉर्म्स दिया था जो हम लोग जो बेसल बेसल नॉर्म्स वन बेसल नॉर्म्स टू बेसल नॉर्म्स थ्री ये जो बेसल कमिटी थी ये बेसल कमिटी एक्चुअल में किसकी कमिटी है बीआईएस का ही है तो आपको थोड़ा सा याद हो रहा होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ओके तो इस कंसेप्ट में क्या कहा गया इट सिक्स टू इनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब ये क्या ये करेगा तो क्या करेगा इनहेंस करेगा क्रॉस बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बाय कनेक्टिंग मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट्स सिस्टम ग्लोबली मतलब कई देशों के जो उनके इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जैसे हमारे इंडिया का यूपीआई है तो प्रत्येक देश का जो अपना इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होगा ये आपस में लिंक होगा और जो पेमेंट फास्ट हो जाएगा इट इज द फर्स्ट बी इनोवेशन हब प्रोजेक्ट इन द पेमेंट एरिया टू मूव टूवर्ड्स लाइव इंप्लीमेंटेशन यह भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्बन की से बढ़ने वाली पहली बीआईएस इनोवेशन हब परियोजना है मतलब ये फर्स्ट बीआईएस का हब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है नेक्सस जिसमें ये कहा गया कि कुछ कुछ मल्टी नेशन इस प्रोजेक्ट में साइन करेंगे और अपने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को फास्ट करेंगे सेफ करेंगे तो आई ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स प्रोजेक्ट नेक्सस स्टेट पीसीएस में आपको बिल्कुल याद करना है क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है आरबीआई ने इसको साइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस किसके द्वारा कंसेप्ट दिया गया था तो बी के द्वारा दिया गया था इसमें हमारे इंडिया का यू होगा और बाकी जो चार नेशन हैं ये चार नेशन का फास्ट पेमेंट सिस्टम आपस में इंटरलिंक होगा और इस प्रोजेक्ट नेक्सस में यह भी कहा गया है कि कुछ और भी नेशंस इसमें एड ऑन होंगे इन कमिंग फ्यूचर ओके तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स में और भी जितने भी इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखे मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ आपको मैं कंटेंट बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा ओके थैंक यू